सऊदी अरब समुद्र में तैरता 60,000 की आबादी वाला एक पूरा शहर बनाने जा रहा है। पूरी दुनिया को चौंकाने और दुबई को नीचा दिखाने के लिए सऊदी अरब एक पेंजियोज नाम की फ्लोटिंग सिटी टेरायाज बनाने जा रहा है, जिसकी कीमत एस्टिमेटेड 8 बिलियन डॉलर मानी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ये पहली बार कर रहा है, इससे पहले से ही सऊदी अरब अपनी न्यू मॉडर्न सिटी, द लाइन फ्यूचर सिटी और 1000 मीटर लंबे दुनिया के सबसे बड़े जेदा टावर के कारण पूरे विश्व में चर्चा में है। पर अब की बार सऊदी और इटालियन आर्किटेक्ट कंपनी ने एक साथ मिलकर दुनिया की पहली और सबसे बड़ी पेंजियस नाम की फ्लोटिंग सिटी क्यों और कैसे बना रहा है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया तेल और गैस से हटकर अब प्राकृतिक संसाधनों की ओर बढ़ रही है, जिससे मिडिल ईस्ट देशों में लगातार तेल और गैस की मांग घटती जा रही है। इसलिए सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज, सऊदी अरब, कतर, UAE सभी अपने देश को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में लगे हैं। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूजियम और पाम आइलैंड जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए। सऊदी ने रियाद किंगडम सेंटर, यहां तक कि कतर ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए 300 अरब डॉलर का फीफा विश्व कप आयोजित कराया। इसके बाद सऊदी अरब कैसे चुप बैठ सकता था, अब सऊदी अरब फिर से चर्चा में आ गया है। सऊदी अरब एस्टिमेटेड 8 बिलियन डॉलर की एक फ्लोटिंग सिटी पर काम कर रहा है। यहाँ आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। ये एक कछुए के आकार का डिजाइन वाला तैरता हुआ शहर होगा, जिसका नाम है पेंजियोस टेरायाज। ये नाम सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया से मिला है, जो सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा यार्ड भी होगा। ये यार्ड 1800 फीट तक फैला होगा। इसके विंग्स पर 60,000 लोगों का घर होगा, जिसमें होटल, क्लब, शॉपिंग मॉल, पार्क, विला, हेलीपैड और छोटे शिप्स के लिए पोर्ट तक होंगे। जबकि इसके विंग्स में 19 प्राइवेट विला और 69 अपार्टमेंट अलग से होंगे, जिसे इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसकी ऊपर की पूरी छत शीशे की होगी। यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होगी, ये सोचकर ही हैरानी होती है। तो जो लोग यहाँ रहेंगे उनकी लाइफ कितनी मजेदार होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, रूफटॉप गार्डन और बीच व्यू भी होगा। इसमें 9 एक्टिव इंजन लगे होंगे, जिन पर लगे इलेक्ट्रिक मोटर 18,600 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करेंगे, जिससे इसकी स्पीड बाकी यार्ड से ज्यादा लगभग 9.5 किलोमीटर पर आवर होगी। पेंजियोस के विंग्स समुद्र की लहरों को ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होंगे। साथ ही इसके ऊपर के हिस्सों में कई सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो इसके लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत साबित होंगे। इसका डिजाइन इतना इम्प्रेसिव है कि लोगों को एक ही नजर में अपना दीवाना बना देता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि पेंजियोस सिटी में 13,000 अंडरवाटर अपार्टमेंट्स होंगे, जहां से आप समुद्र के नीचे और ऊपर दोनों जगहों से नजारों का भी मजा ले सकते हैं। पेंजियोस टेरायाज में जीवन किसी और प्लेनेट में जीना जैसा होगा, क्योंकि ये याज एक जगह पर नहीं रुकेगा, हर समय चलती रहेगी, जिसमें आप रात को सोएंगे और कहीं और सुबह उठने के बाद आप किसी और ही जगह पर होंगे, जिससे कोई भी बोर नहीं होगा और इस सफर का हमेशा मजा लेते रहेंगे। 8 बिलियन डॉलर से बना 60,000 लोगों के घरों वाला टेरायाज, जिसके अंदर की फैसिलिटी के सामने बड़े बड़े 5 और 7 स्टार होटल भी फीके पड़ जाएंगे। इस फ्लोटिंग सिटी में प्लेग्राउंड से लेकर कई बंदरगाह भी बनाई जाएंगी, साथ ही जिसमें लोगों की सुविधा की सारी चीजें बस कुछ कदम की दूरी पर ही मिल जाएगी। पेंजियोस के इंटीरियर को पूरी तरीके से अभी रिवील नहीं किया गया कि पेंजियोस देखने में अंदर से कैसा होगा, पर बाहर के डिजाइन को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंटीरियर शायद इससे भी ज्यादा शानदार हो। वैसे भी पेंजियोस को बनाने में अप्रोक्स 8 से 10 साल तक लग सकते हैं। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है पेंजियोस की 2033 तक बनने की उम्मीद है। इतनी बड़ी यार्ड को बनाने के लिए सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा डैम बनाया जाएगा। जेदाह के नॉर्थ में मौजूद अब्दुल्ला पोर्ट में डैम बनाने का काम 2023 में शुरू हो चुका है। लज़ारनी आर्किटेक्ट कंपनी के अनुसार 2023 से ही फ्लोटिंग सिटी पेंजियोस टेरायाज का काम शुरू किया जाएगा। इसकी डिजाइनर कंपनी को पेंजियोस टेरायाज को बनाने का आइडिया 2009 में आया,
और तब से ही उन्होंने इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। इसके बनने के बाद ये तैरने वाला शहर अपने कभी न खत्म होने वाले सफर पर निकल जाएगा, क्योंकि इस शहर को किसी भी पेट्रोलियम पदार्थ से नहीं चलाया जाएगा, बल्कि ये पूरी तरीके से नेचुरल एनर्जी जैसे वेव और सोलर एनर्जी से चलेगा। जब ये यार्ड बनकर तैयार हो जाएगा तब इसे देखना एक अलग ही अनुभव होगा, जिसके देखने के लिए लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।